अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी 2 अगस्त को घेराव करेंगे, ये कहना था ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के प्रदेश महासचिव सेवाराम का, जो कुचामन उपखंड कार्यालय में संगठन की 9 सूत्रीय मांग पत्र को एसटीएम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने के लिए पहुंचे थे। सोमवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन की ओर से कुचामन ब्लॉक सहित पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर 9 सूत्रीय मांग पत्र उपखंड अधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए। संगठन के प्रदेश महासचिव सेवाराम ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर अपना मांग पत्र सरकार तक पहुंचाने के बाद अगले सप्ताह 11 जुलाई को जिला स्तर पर जिले भर के राशन डीलर जमा होंगे और अपना मांग पत्र जिला कलेक्टर के जगह सरकार तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद 18 जुलाई को प्रदेश स्तर पर संगठन से जुड़े राशन डीलर जयपुर में जमा होंगे और अपना मांग पत्र सरकार को भेजेंगे। अगर इस दौरान भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वे आगामी 2 अगस्त को नई दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। आज हमने एसडीएम साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जिसमें 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें विश्व खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत जो संस्था गठित हुई है उसमें 20 फरवरी 2020 को अपना राशन डीलर के कमीशन के बारे में 440 रुपये प्रति क्विंटल का रखा गया वो दिलाया जाए हमें। संस्था इन्होंने गठित किए, रिपोर्ट इन्होंने दिए, मगर हमारा मात्र 20 रुपये क्विंटल बढ़ाकर इन्होंने ऊँट के मुंह में 0 के सम्मान दिया है। इससे हम रोष्ट होकर आज हम ब्लॉक में दे रहे हैं ज्ञापन, 18 को जिले में देंगे, 11 को जिले में देंगे, 18 को प्रदेश में देंगे, 2 अगस्त को संसद का घेराव करेंगे। हमारे 9 सूत्री मांगे इसके संदर्भ में कल माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा सभी स्टेट के फूड सेक्रेटरी को बुलाया गया है, जिसमें हमारे प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर जी वासु, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष झारखंड के अगानाथ झा, ये कल चर्चा करेंगे। इसके बाद में हमारी जो भी रणनीति होगी उसके बाद उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा।